हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं 28 अगस्त 2018 को पूछे गए एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रायोगिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि अगर आपकी प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें जो आज पूछा गया है, वो है तलाशी एवं तलाशी के प्रकार। इसमें आपके पैरा क्रमांक से लेके छोटी छोटी चीज़ों पर बारीकी से आपसे क्वेश्चन किए गए। उसके अलावा सेंट्री गार्ड क्या होता है, कैसे इसको लगाया जाता है, इस बारे में भी आपसे क्वेश्चन किए गए। तीसरे नंबर पर ऑब्जर्वेशन एंड इन्फॉर्मेशन नोटबुक के बारे में क्वेश्चन किए गए। चौथा है एसएस रोल एंड बीसी रोल पर क्वेश्चन किए गए। पांचवा है गार्ड एवं हथकड़ी के बारे में धाराएं वगैरह पूछी गई और इस पर भी क्वेश्चन किए गए। छठवां है सिग्नल एवं सिग्नल के प्रकार। आपको तीन प्रकार के, एक आदेशात्मक, एक चेतावनी वाले और एक सूचना वाले, तीनों प्रकार के एक एक सिग्नल को ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर आपको मार्कर से बनवा के देखा गया कि आपसे ये सिग्नल आते हैं या नहीं। शुरू में ऐसा हो रहा था कि आपसे सिग्नल पूछे जा रहे थे, फिर उसके बाद अपनी चॉइस से आपको एक एक सिग्नल, आपको तीनों प्रकार के एक एक बना के बताना पड़ रहा था। उसके अलावा सिग्नल बनवा कर देखे गए। हथकड़ी किस किस को नहीं लगाई जाती इसके बारे में क्वेश्चन किए गए। बच्चे, महिला एवं वृद्धों से पूछताछ कैसे करें इसके बारे में क्वेश्चन किए गए। कॉन्वॉय ड्यूटी, जो कि कल भी इसके बारे में क्वेश्चन किए गए थे और आज भी इसके बारे में क्वेश्चन किए गए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये होते जा रहे हैं। इसके साथ ही मोबाइल चेक पोस्ट, नाकाबंदी, कैदी सुरक्षा दस्ता, इस पर आपका कितना गार्ड होता है, क्या कैसा होता है, कौन सी धारा में है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी किए गए। साथ ही HHMD DFMD के फुल फॉर्म पूछे गए, इनका यूटिलाइजेशन, इनके उपयोग, इन सब पर भी प्रकाश डाला गया और क्वेश्चन पूछे गए। गैस गन के प्रकार एवं नार 7 वेस्टो मार्क 1 2, ये जो मार्क 1 मार्क 2 होती है, और अपना फेडरल राइट गैस गन, इस बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए। आपको बल्वर ड्रिल में जो जो सामान यूज़ होता है, जैसे एल्बो गार्ड, शिन गार्ड, आपका बॉडी कवर यानी बॉडी गार्ड, और अपना हेलमेट और आपका रेस्पिरेटर, इस बारे में भी आपको आइडेंटिफाई करके, और आपका आपके सामने सामान रखा रहेगा, आपको बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सामान क्या है। इसके साथ आपका वहाँ पे 303 राइफल होगी, गैस गन होगी, और इटालियन आपका रेस्पिरेटर होगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा पूछा गया आपकी, आपको पता है कि रेस्पिरेटर क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसके आगे जो फिल्टर लगा होता है उसमें चारकोल और सूती कपड़ा और कॉटन चारकोल और अपना लकड़ी का बुरादा होता है, ये ऐसी नॉर्मल चीज़ें आपसे पूछी गई जो आपको पहले भी आपके फैकल्टी के द्वारा बताया गया होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो CRPC की धारा 82-83 जो है उसके बारे में पूछा गया। जाँच क्या है इसके बारे में पूछा गया। अपराधों की रोकथाम पर काफ़ी क्वेश्चन किए गए घुमा फिरा के, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट करके, कि जैसे दो लड़के अंदर हैं तो एक लड़के को मुजरिम बना के, एक दूसरे व्यक्ति को पुलिस बना के, तो हाउ टू अरेस्ट हिम, मतलब उसको आप कैसे गिरफ्तार करेंगे, उसकी आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, पहला एक्शन क्या होगा, पहली क्रिया क्या होगी, वो सब आपको प्रैक्टिकल करा के रोल प्ले के माध्यम से भी पूछा गया। इसके अलावा निम्नलिखित विषयों पर, मतलब जो 11 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, उसमें आपके ये जो मैं विषय आपको बता रहा हूँ, इस विषय पर बोलने को बोला गया था 3-3 मिनट मैक्सिमम, मतलब अगर आप बोलने में कैपेबल हैं तो 3 मिनट, नहीं तो थोड़ा और ज़्यादा या कम, ये ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन आपको विषय से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के विषयों पर आपको अपना उद्बोधन देना है या भाषण देना है। जैसे अनुभव था, अपराध था, पुलिस, समय, जनता, कानून, सावधानियाँ, सुरक्षा, कर्तव्य, ईमानदारी, मेहनत और लगन। इसके अलावा एक क्वेश्चन और CCTNS का फुल फॉर्म था, और इतनी ही जानकारी मुझे अभी तक मिल पाई है। और ये जानकारी कलेक्ट करने में हमारे परम मित्र नरेंद्र सिंह राणा जी ने बहुत बहुत मदद की, तो उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने में जो उनका अहम योगदान है, उसके लिए SB क्लासेस उनका आभारी है। तो अगर आपका प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर, काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। SB क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।